तलाशना जारी रखेंगे। यह समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली केचांग ने हांगकांग की प्रमुख कैरी लैम से सोमवार को मुलाकात की और हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने हेतु और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। लैम क्षेत्र की स्थिति के बारे में नियमित ब्यौरा देने हेतु शनिवार से पेचिंग में हैं। बैठक में ली ने कहा कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण हुई आपाधापी से हांगकांग का समाज हर मोर्चे पर प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की सरकार हांगकांग की दीर्घकालिक समृद्धि और स्थिरता की सुरक्षा चाहती है तथा वह लैम और क्षेत्र की सरकार का समर्थन जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हांगकांग सरकार को क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास की राह में आने वाले गहन द्वंद्वों और बाधाओं पर शीघ्रता से विचार करते हुए हिंसा का अंत करने, उथल पुथल को रोकने व व्यवस्था कायम करने के अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हांगकांग में 6 महीने से अधिक समय से विरोध चल रहा है। गत माह हांगकांग के चुनाव में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों की भारी जीत के बावजूद सरकार ने अब तक नागरिक मांगें स्वीकार नहीं की हैं। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख से ब्रिटेन की संघ से सुगम निकासी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मोतेगी ने रविवार को मैड्रिड में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के सर्वोच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोर्रेल से वार्ता की। दोनों नेताओं की वार्ता ब्रिटेन के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई। गौरतलब है कि ब्रिटेन के आम चुनावों के बृहस्पतिवार को घोषित परिणामों में कंजर्वेटिव पार्टी को मिली भारी जीत ने ब्रिटेन का जनवरी तक यूरोपीय संघ से निकासी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मोतेगी ने कहा कि जापान सरकार चुनाव उपरांत गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। उनका मानना है कि ब्रिटेन की संघ से निकासी कोई जटिलताएं उत्पन्न नहीं करेगी। बोर्रेल ने कहा कि यूरोपीय संघ के अधिकारी ब्रिटेन के अपने समकक्षों के साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दोनों अधिकारी पिछले वर्ष हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते के आधार पर जापान और यूरोपीय संघ के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए। मोतेगी ने कहा कि सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु वो विशिष्ट कदमों पर विचार करना चाहते हैं। दोनों ही उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए। मोतेगी ने बोर्रेल से जापान के अपहृतों की यथाशीघ्र स्वदेश वापसी के प्रयासों